आज मैं खुराक बना रही हूँ। खुराक बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी आटा, एक कटोरी मिश्री है, आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, एक कटोरी घी, मखाना, ये तरबूज के बीज हैं, ये गोंद, ये छुआरे को मैंने मिक्सी में क्रश कर दिया है, खसखस, पिस्ता, बादाम, ये नारियल का चूरा, अखरोट, काजू, किशमिश और ये चार इलायची, इसको भी मैं क्रश कर दूंगी। अब मैं मिश्री को इसमें डाल दूंगी और पानी डालूंगी। एक कटोरी मिश्री थी तो आधे से थोड़ी ज़्यादा पानी डाल के इसको मैं थोड़ा बॉयल कर दूंगी। देखिए मिश्री बॉयल हो रही है, इसको हमको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बस खाली इसमें ये पिघल जाए, इसकी तार नहीं बनानी है, गाढ़ी चाशनी नहीं, बस 2 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। चाशनी बॉयल हो गई है, अब इसको बंद कर देंगे। अब कढ़ाई में घी डाल देंगे, घी गरम हो रहा है, अब इसमें ये गोंद डाल देंगे, गोंद को थोड़ा फ्राई कर देंगे। देखिए गोंद फ्राई हो गई है, अब इसको निकाल देंगे, इस तरह से। अब ये खरबूजे के बीज को भी थोड़ा हल्का फ्राई कर देंगे। ये चटक रहे हैं, अब इनको मैं निकाल दूंगी। अब मखाने को भी फ्राई कर दूंगी। मखाने भी हो गए हैं, अब इसको निकाल दूंगी। अब इसी घी में आटे को डाल दूंगी, इसको लो फ्लेम पे भूनूंगी। इसको बहुत धीरे धीरे भूनना पड़ता है लो फ्लेम पे। मखाने और गोंद को भी क्रश कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए अब थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, अभी और टाइम लगेगा इसमें, बहुत धीरे धीरे भूनना पड़ता है इसको। वैसे तो ये ठंड में खाया जाता है ज़्यादा, या फिर जिसकी डिलीवरी होती है उसके बाद उसको खिलाते हैं, लेकिन मेरे को किसी ने बोला है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। ये कि ठंड में आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे और गर्मी में थोड़ी कम, क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसमें बहुत सब हैवी चीज़ें होती हैं, लेकिन फायदे वाला बहुत होता है। इसको गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। देखिए गोल्डन कलर हो गया है, अब इसमें मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स थे सबको डाल दूंगी अच्छे से। इसको भी इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे आप ड्राई फ्रूट्स अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत इस टाइम गर्मी में ना हैवी हो जाता, इसलिए मैंने अलग से नहीं फ्राई किया, इसी के साथ ही थोड़ा भून जाएगा, 2-3 मिनट इसको भून देंगे। इसका कलर एकदम गोल्डन होना चाहिए, अगर कलर सही नहीं आएगा तो फिर इसमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा, एकदम गोल्डन कलर होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा।
इसमें आप खोआ भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा, अपनी पसंद नापसंद का कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो अच्छा लगे वो डालिए, जो ना अच्छा लगे वो हटा दीजिए। ये गोल्डन कलर हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अब ये जो मिश्री मैंने बॉईल की थी इसको डाल देंगे इस तरह से, और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसी में मिक्स हो जाएगा। अब किसी भी बर्तन में आप इसको घी को थोड़ा ग्रीस कर दीजिए, चाहे थाली हो कुछ भी हो, जिसमें भी थोड़ा सा घी ग्रीस करने के बाद उसमें ये खुराक को इसमें डाल देंगे। इस तरह से पूरी खुराक को डाल के सेट कर देंगे। अभी गरम गरम है, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरह से दबा के सेट कर देंगे। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और फायदे वाली तो है ही। अब इसके अब ऊपर से भी थोड़े से नट्स से गार्निश कर देंगे। देखिए अब इसको मैं 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद इसको कट करूंगी। खुराक सेट हो गई है। अब इसको आप किसी भी शेप में इस तरह से कट कर सकते हैं, आपको जो भी शेप अच्छी लगे। देखिए मैंने स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, एकदम सॉफ्ट भी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट्स करके मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि कैसी बनी, अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए।